दिल्ली से स्वागत है आपका। हेलो मैम, नमस्कार। जी नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सौरभ। सौरभ, बताइए अपना सवाल करिए। ऐसा है ना, हमारा लड़का का रात को एक दो दिन छोड़ के सर टीवी मत सुनिए, सौरभ मलिक। सर टीवी मत सुनिए, प्रश्न कर लीजिए। अच्छा, लड़का का उम्र है 19 साल। ठीक है, उसको यूरिन के द्वार से हार्मोन निकालता है एक दो दिन छोड़ छोड़ के। ठीक है, जवान हो गया आपका बच्चा, और नुस्खा लिख लें। ये जो इसबगोल की भूसी होती है, हर मेडिकल स्टोर पर मिलती है, इसबगोल की भूसी, ये ले लीजिए एक पैकेट, थोड़ा सा बड़ा सा। और एक आता है गोंद चिलगोजा, गोंद चिलगोजा, या आसान जबान में चिलगोजे का गोंद कहते हैं। चिलगोजे गोंद आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, मैंने दिखाया हुआ कैसा होता है। गोंद चिलगोजा 100 ग्राम खरीद लें, और 100 ग्राम खरीद लें इसबगोल की भूसी, जो सत इसबगोल भी कहलाता है, सभी जानते हैं वैसे तो। आप इतने उम्र के हैं कि आपका बच्चा जवान है, तो आप सत इसबगोल जानते होंगे। ये इसबगोल जो है वो लोग पेट के लिए लेते हैं, कब्ज हो जाए तो दूध में डाल के लेते हैं, और दस्त आ जाए तब भी ले लेते हैं। ये 2 चम्मच इसबगोल दूध में मिलाएं और 15 मिनट डला रहने दें उसमें, और चिलगोजे का गोंद असली लें और आधा ग्राम, देखिए इतना सा होता है, बहुत तेज़ होता है, ये मर्दों के रोगों में बहुत काम आता है, जिनको ये एतलाम होता है और स्वपन दोष होता है, और जिन जो मर्द बचपन में गलतियां कर देते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, शादी से डरने वाले मर्दों के लिए बहुत अच्छा है। बस आधा ग्राम खाना होता है, इसमें मिला दीजिए इसबगोल के दूध में, और रोज़ाना रात को इनको ये पिला दिया करिए, आपके बच्चे का ठीक होना मुमकिन है। राजस्थान से हैं सुनीता जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार मैम, हाँ नहीं, उसमें मेरे 3-4 सवाल है। पूछिए। मैंने ना एक तो कमर में दर्द होता है, मैं जैसे बैठी रहती हूँ ना तो कमर में ज्यादा दर्द होता है, और खड़े रहती हूँ, खड़े रहकर काम करती हूँ तो पेट ज्यादा दर्द होते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं कौन मोइंगा भी खा रही हूँ, मंगवाई था मैंने, मैम गौन सिया होगा। कौन सी आ? हाँ और कितना इसमें कितना ना लेते हैं केस आप, कितना कितना खाते हैं? आधा आधा ग्राम खाती हूँ सवेरे शाम। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? 44। ठीक है, और क्या सवाल? और एक ये कि मेरे गैस भी बहुत बनती है। हाँ, ठीक है। और एक मैंने वो सी केयर भी मंगवाए थे, वहां से गैस मिलवाई डिस्चार्ज के। हाँ तो मेरे ना मतलब एक जुकाम वगैरह भी रहता है। हाँ 12 महीने हमेशा जुकाम रहता है, कभी तेज हो जाता है कभी कम हो जाता है, और गले में जैसे तेज बात करती हूँ ना, ज्यादा देर तक बातें करना वगैरह, तो उससे गले की आवाज डाउन हो जाती है। ठीक है। और देखिए, ये चीज़ें आप खाती रहिए, और शायद आप बता नहीं पा रहे, गोंद आपकी उम्र भी इतनी नहीं है, और गोंद से फ़ायदा या तो ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए दर्द, जिनको नहीं होता तो हम बड़ा ढूंढते हैं क्या वजह है। मुझे लगता है कि आप बता नहीं पा रहे, तो ये ऐसी खाते रहिए, और बस एक काम कर लीजिए, ये जो है मेथी का दाना, इसको खूब बारीक पाउडर बना लीजिए, और आधा चम्मच गरम पानी में डालें इसको, छोटा चाय का चम्मच, और एक चुटकी में जितना खाने का सोडा है मिलाकर गरम गरम ये पिया करें रोज़ाना एक बार, कभी भी चुस्कियाँ लेके, जैसे चाय पीते ना ऐसे चुस्कियाँ लेके पिया करिए, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।
व्यक्ति के साथ कुछ और कॉलर्स हैं, बात कर लेते हैं। बद्री प्रसाद जी हैं एमपी से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर, सवाल कर लीजिए। मेरा मेरी वो पैर है, लेफ्ट पैर में सुन्नता रहती है, नीचे सूजन रहती है। नहीं सुन्नता माने सुन्न जैसा हो जाता है। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 76 वर्ष की। ठीक है जी। अच्छा देखिए, बहुत मेहनती आदमी लगते हैं आप, कभी काफ़ी मेहनत की होगी, अब मत करिए कुछ दिन मेहनत। और आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करना। अब वो देसी टॉयलेट पर मत आप ज़रूरत के लिए जाया करें, ये बहुत ज़रूरी है। और वही एक देखिए, अलसी 200-300 ग्राम अलसी खरीद कर इसका पाउडर बना के रखिए, हल्का सा भून लेना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भून के पाउडर बना के रखिए। और एक आता है गौंसिया, जो बहुत चर्चित है और नकली भी बहुत मिलता है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। ये भी 100 ग्राम खरीद लीजिए, आधा ग्राम ये गौंसिया का पाउडर अलग बनाइए, और एक चम्मच अलसी लीजिए, छोटा चाय का चम्मच, टी स्पून जिसे कहते हैं, इसे मिलाकर रोज़ाना एक बार या दो बार खाना खाने के बाद पानी से इस्तेमाल किया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। वजन बिल्कुल ना उठाएं जब तक आपका इलाज चलता रहे। अगले कॉलर हैं यूपी से, योगी जी स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी सर बताइए। अरे योगी जी, श्री ओम जी बोल रहे हैं। श्री ओम जी। श्री ओम जी बताइए। मैडम जी, हकीम जी से बात करनी, मेरे को पेट में दिक्कत रहती है जी। ओम जी मैं सुन रहा हूँ, मैं तो खुश हो गया जी। मैं तो खुश हो गया, योगी जी का फोन आ गया इनकी गलती से। नहीं नहीं हकीम जी, मेरे पेट में दिक्कत रहती है, मेरे पेट में कर्ज रहता है और मेरा पेट साफ नहीं होता। अच्छा ठीक है। अच्छा बेटा देखो, आप लिख लो नुस्खा, ये मत सोचना आपको याद रह जाएगा, बाद में आदमी भूल जाता है, फिर कुछ गड़बड़ कर देता है। देखिए है तो बहुत आसान, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन और धनिया, ये सब सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और आंवला, ये सब 100-100 ग्राम लीजिए। फिर बोलता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और आंवला, और बहुत ही अच्छा करना हो तो 100 ग्राम इसमें मेथी भी मिला दें, इनका खूब बारीक पाउडर बनाएं, अपने हाथ से बनाएं या अपने सामने बनवाएं। और एक आता है नमक जैतून, ये एक ऐसा नमक है संसार में जो नमकीन नहीं होता, ये 100 ग्राम खरीद लें, ये अलग रखें। और ये जो सौंफ सौंठ का आपने पाउडर बनाया है, सौंफ सौंठ जीरा अजवाइन धनिया आंवला मेथी का, ये एक चम्मच भर के लें, छोटा चाय का चम्मच, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं। और एक चुटकी में जितना ये आता है नमक जैतून, वो इसमें मिलाकर रोज़ाना नाश्ते से आधा घंटा पहले पानी से खा लिया करें, और रात को खाने से पहले। ये नुस्खा अजीब है, मैं तो कहता हूँ हर घर में होना चाहिए, किसी को एसिडिटी हो उसके लिए बहुत अच्छा नुस्खा कहलाता है, किसी को बवासीर हो उसके लिए बहुत अच्छा नुस्खा कहलाता है, किसी को कब्ज़ हो उसके लिए, एसिडिटी, इन्फेक्शन, या किसी के यूरिनली इन्फेक्शन, महिलाओं में पुरुषों में ये होता है बहुत ज़्यादा, किसी के लीवर में इन्फेक्शन या लीवर बढ़ जाता है उसके लिए, किसी को खून नहीं बनता हो, किसी को भूख नहीं लगती हो, या किसी को स्किन का रोग हो, कुछ दाने निकलते हों, एलर्जी होती हो, मुहासे निकलते हों, ये मेरे अनुभव के हिसाब से दुनिया का बेहतरीन नुस्खा हो सकता है। अगली कॉलर है संगीता जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैम, आपका प्रश्न? प्रश्न मेरा जी, ना
मैम आप ना नेटवर्क में आके बात कीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। नेटवर्क का लग गया सर। बोलिए दोबारा बोलिए। हाँ जी दोबारा बोलिए। मैं क्या मेरे ना गले की प्रॉब्लम चल रही है डॉक्टर साहब। हाँ जी क्या प्रॉब्लम? मेरी प्रॉब्लम ये है जी, एक साइड है गले की खब्बी साइड, उन्होंने भी नाले तो उसे रेडिश नहीं जाती, जे कोई गर्म चीज खा ला मैं वो भी लग रही है, जिम्मे की हूं मैं चीकू खा लिया चीकू भी लगता, मिर्च हो गई अदरक हो गया इस तरह सारी चीज डॉक्टर साहब लगती है उसे भी। 2 साल हो गए मैं दवाइया बहुत खा चुकी हाँ, कोई फर्क नहीं पै रहा ओदे नाल, फिर जीभ च भी दर्द होने लग जाता एक साइड ही है खब्बी साइड गले में ना। हाँ जी गले में जी जी। हाँ देखिए मेथी तो आप जानते हैं, मेथी का दाना इसको खूब बारीक पाउडर बना लीजिए और एक गिलास गर्म पानी, खूब गर्म पानी मैं आधा चम्मच इसमें डालिए और एक चुटकी में जितना खाने का सोडा आता है एक चुटकी में इसको बोलता हूँ वो मिला लीजिए इसमें, और कोशिश करिए कि चाय की तरह गरम गरम ये पानी आप रोज़ाना एक बार पिए, आपकी सारी समस्याओं का निदान मुमकिन है। स्कॉलर है चंदौली से, स्वागत है आपका। हाँ क्या नाम है? चंदा सिंह जी। आपका प्रश्न? देखिए मैम सलमान भाई साहब से प्रणाम करिएगा। आदाब जय हिंद। अच्छा आई हमारे शरीर में सूजन पूरा रहेला आ दर्द ठेवना में दोनों दर्द रहेला आई 7 साल से है। हाँ ठेवना में दोनों दर्द सूजन बैठ ना पाईला आई डॉक्टर के देखोनी तो अर्थराइट बतौलस अर्थराइट ठीक है आ वो दवा चलेला एरोबेला एरोबेला चलेला वे देखने की भी आप तो हम कहनी तो हम देखी उनका भाई नुस्खा का है ठीक है देसी नुस्खा जानना है। अच्छा देखिए 3-4 महीने इलाज करना आप अपना, कोई भी इलाज करते रहे लेकिन ये जब शुरू करें तो छोड़ना नहीं। अलसी को भून लीजिए, अलसी तो सभी महिलाएं जानती हैं सस्ती भी आती है, 300-400 ग्राम अलसी खरीद लीजिए और इसको हल्का सा भूने, ज़्यादा नहीं हल्का सा भून कर निकाल लें बर्तन से, बर्तन में छोड़ेंगे तो वो जल जाएगी क्योंकि बर्तन गर्म हो जाता है, अगर बर्तन गर्म ही रहता है तो फौरन निकाल लेना, कंकर पत्थर भी होते हैं वो भी साफ़ कर लें, इसको पाउडर बना के रख लें, 1 चम्मच अलसी खरीदें वो खाएं नाश्ते के बाद, 1 चम्मच में अलसी इसका पाउडर बना लें लें और एक आता है गोंद स्याह, इसे काला गोंद कहते हैं लेकिन ये अलसी की तरह असली नहीं मिलता, ये नकली भी बहुत मिलता है, 0.5 ग्राम अगर मिल जाए तो 0.5 ग्राम गोंद स्याह और एक चम्मच अलसी में मिलाकर रोज़ाना 2 बार खाएं नाश्ते के बाद, और ये अगर गोंद स्याह असली मिल गया, बहुत नकली मिलता है फिर आपसे बोलता हूँ सब लोग बेईमानी करने लगते हैं, तो ये 15-16 रुपए रोज़ का इलाज है, 1 ग्राम आप लाइए और 15 या 16 रुपए का मिलता है बस, 0.5 ग्राम सुबह खाइए 0.5 ग्राम शाम अलसी के पाउडर के साथ खाने के बाद, अगर असली मिल गया तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।